हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक एयरफोन बैनर कैसे क्रिएट करें। तो गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फोटोशॉप में। ये गाइस, हम फोटोशॉप में आ गए हैं। अब फाइल में जाके न्यू पेज क्रिएट करेंगे एंड नेम में मैं रखूँगा बैनर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट टाइप में रखूँगा कस्टम एंड हाइट विड रखूँगा 1200 एंड हाइट भी 1200 की रखूँगा गाइस। रेजोल्यूशन रखूँगा 300 का एंड ओके करूंगा गाइस। ये देखिए गाइस, हमारा एक 1200 बाय 1200 का पेज क्रिएट हो गया है। एंड गाइस, अब मैं सिंपली यहाँ से एक ग्रेडियंट लूँगा। इस बार गाइस मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा इसमें, जैसे कि आजकल लेटेस्ट चल रहा है ग्रेडियंट। एंड गाइस, यहाँ से मैं कलर ले लूँगा ब्लू। जैसे यहाँ से मैंने ब्लू कलर ले लिया, देखिए गाइस ये ब्लू कलर ले लिया है। एंड यहाँ से भी मैं कलर चेंज करूँगा इसका। जैसे यहाँ मैं यहाँ पर लाइट ब्लू रख लूँगा थोड़ा। देखिए गाइस, ये लाइट ब्लू रख लिया। एंड ओके करूँगा एंड फिर से ओके करूँगा। अब गाइस, मैं स्टाइल इसका चेंज करूँगा, जैसे मैं रेडियल कर दूंगा यहाँ से एंड एंगल भी थोड़ा चेंज कर दूंगा। एंड गाइस, अभी मैं स्केल भी इसका चेंज कर लूँगा, जैसे कर लूँगा 1:6। एंड देखिए गाइस, अभी ये ठीक नहीं लग रहा, तो गाइस मैं यहाँ से इसे रिवर्स कर दूंगा। तो देखिए गाइस, ये ठीक लगने लगा है। अब यहाँ पर इसको हल्का सा और थोड़ा इधर कर लूँगा। देखिए गाइस, ये परफेक्ट लग रहा है। एंड ओके कर दूंगा। अब गाइस, सिंपली मैं कंट्रोल ओ करूंगा और एक इमेज लेके आऊंगा जो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो इमेज ले रखी है उसमें एयरफोन जो है वही एयरफोन, उसी से रिलेटेड ही एयरफोन आप डाउनलोड करें, अदर डाउनलोड ना करें। वरना तो ये जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा भी लगा तो बाई चांस किसी ने ऑप्शन उठा दिया कि एयरफोन तो अलग है और आपके मॉडल में जो एयरफोन है उसकी अलग है। तो गाइज, वही एयरफोन लें जो आपके मॉडल में हो, जैसे कि इसके कान में लगा हुआ है। तो मैंने इसी से रिलेटेड एयरफोन डाउनलोड कर रखे हैं गाइज। तो गाइज, इसे हम अपने बैकग्राउंड पर लेके आ जाएंगे। एन कंट्रोल टी करके इसका साइज कर लूंगा मैं रिसाइज। ये देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है, इमेज को एडजस्ट कर लिया। एंड हल्का सा और बड़ा करूँगा बस गाइस, इतना बड़ा ठीक है। एंड हल्के से पीछे करूँगा। देखिए गाइस, अभी मैं गाइस इसमें कुछ नहीं करूँगा, सिंपली फिल्टर में जाऊँगा एंड इससे थोड़ा शार्पनेस कर दूंगा। एंड एक और बार कंट्रोल जे करूँगा ताकि इसमें डिटेलिंग आ जाए। एंड हाई पास लगा लूँगा इस पर, अदर में जाके हाई पास ले लूँगा। एंड ओके करूँगा गाइस। एंड यहाँ से कर दूँगा ओवरले एंड इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ गाइस कम, इतने कर दूंगा। देखिए गाइस, पहले ये ऐसा था एंड अब थोड़ी डिटेलिंग आ गई है इसमें। एंड इन दोनों को कर लूंगा मार्ज, दोनों को शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल ई कर दूंगा एंड मार्ज हो जाएंगे गाइस दोनों लेयर आपस में। अब गाइस, मैं सिंपली इसका एक डिजाइन क्रिएट करूंगा यहाँ पर। देखिए गाइस, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया एंड 100 बाय 100 का ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जैसे इतना कर लेता हूँ। एंड गाइस, इसका जैसे मुझे फिल कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा एंड फिल कलर हटा दूंगा यहाँ से। एंड स्टॉक कलर रख लूँगा गाइस वाइट एंड इसको कर दूंगा दो, लाइनिंग को दो, लाइनिंग की मोटाई दो ले लूँगा। एंड एक और बार मैं यहाँ पर जाऊँगा शेप में एंड लव से ले लूँगा, लव से भी क्रिएट करूँगा सिंपली सेम साइज में। एंड कंट्रोल टी करके इसे कर लूँगा छोटा, इतना बड़ा ठीक है गाइस ये। एंड इसे यहाँ लेके आ जाऊंगा। देखिए गाइज, ये आ गया है। अब गाइज, दोनों को हमें कंबाइंड करना है। तो गाइज देखिए, ये बीच में लाइन आ रही है, तो ये बीच में लाइन हट जाए तो मैं इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगा एंड अपने लेफ्ट से पे क्लिक करूँगा एक बार माउस की मदद से। एंड जिस पे मुझे कंबाइंड करना है, मतलब जोड़ना है, उस पे जाके मैं एड मास्क कर दूंगा यहाँ से एंड कंट्रोल आई कर दूंगा। देखिए गाइज, यहाँ बीच की लाइन हट गई है और ये ऐसा लग रहा है कि इसी में जुड़ा हुआ हो। अब गाइस, दोनों को पकड़ के मैं शिफ्ट के साथ इसका साइज थोड़ा छोटा कर लूँगा, जैसे इतना ठीक लग रहा है। एंड इसे यहाँ एडजस्ट कर लूँगा अभी के लिए, बाद में हम और कहीं एडजस्ट कर देंगे इसे, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। देखिए गाइस, अब हम गाइस सिंपली इसमें इमेजेस लगाएंगे। पहले कंट्रोल ओ करूँगा मैं एंड देखिए गाइस, ये मैंने इमेज पहले से डाउनलोड करके रख रखी है, तो इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले जैसे मैं ये वाली इमेज रिमूव कर देता हूँ एंड ये एयरफोन की इमेजेस हैं। देखिए गाइस, ये इसी से रिलेटेड ही हैं,
जो इनसे मैं डाउनलोड कर रखी है, यहाँ लगा रखी है ये कान पे, जो इनके एंड कंट्रोल टी करके इसको भी इसका साइज रिसाइज कर दूंगा। जैसे कि गाइस मैंने ये कर दिया एंड इसको लेके आ गए यहाँ, एंड कंट्रोल प्रेस प्लस करके गाइस मैं इसको कर लूँगा, इसका जूम बढ़ा लूँगा एंड इसको यहाँ एडजस्ट कर दूंगा। गाइस आप कंट्रोल प्रेस करके छोटी छोटी डिटेलिंग इससे चेक कर सकते हैं जूम बढ़ा के, ताकि आपका वर्क और अच्छा दिखे एंड कूल लगे। अब जैसे गाइस ये इसके बाहर आ रही है लाइन, तो मैं कुछ नहीं सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल लूँगा एंड यहाँ से कर दूँगा इसे कट, जितना मुझे नहीं चाहिए, जैसे इतना मुझे नहीं चाहिए, तो गाइस मैं यहाँ से कर दूँगा इसे कट। ये देखिए गाइस एंड कंट्रोल डी करूँगा एंड गाइस देखिए ये परफेक्ट आ गया इसके अंदर। एंड गाइस हल्का सा नीचे कर लूँगा, देखिए गाइस ये परफेक्ट आ गया। एंड दूसरी इमेज भी मैं ऐसी लेके आऊँगा गाइस, मैं यहाँ से बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ से मैजिक रेजर टूल ले रहा हूँ गाइस, ऊपर वाले से ये मैजिक रेजर टूल आ गया एंड इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देते हैं गाइस। एंड गाइस जैसे मुझे ये हटाना है, तो ये MI का लोगो हटाने के लिए वापसी में रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लूँगा एंड इसे कर दूँगा डिलीट एंड कंट्रोल डी। अब देखिए गाइस ये हमारे पास इस इमेज का बैकग्राउंड हट गया है, तो हम इसे भी लेके आ जाते हैं अपने बैकग्राउंड पे जो बना रहे हैं। देखिए गाइज ये बैकग्राउंड रह गया है, तो फिर से मैं मैजिक रेजर टूल लूँगा, आप कीबोर्ड से शिफ्ट ई दबा के, दो बार शिफ्ट ई दबा के मैजिक रेजर टूल ले सकते हैं एंड कंट्रोल टी करेंगे एंड इसका साइज कर दूंगा मैं रिसाइज एंड इसको भी लेके आ जाऊँगा यहाँ पर एंड इस रेक्टेंगल के नीचे ले आऊँगा गाइस मैं एंड कंट्रोल टी करके इसका साइज कर दूंगा छोटा एंड कंट्रोल प्लस करूँगा पहले मैं गाइस इसे एडजस्ट करने के लिए एंड कंट्रोल टी करूँगा एंड हल्का सा और छोटा करूँगा गाइस मैं, ठीक लग रहा है। एंड गाइस अभी देखिए इसका कोना हल्का सा निकल रहा है, तो कुछ नहीं करूँगा मैं, शिफ्ट के साथ एक बार ई दबाऊँगा मैं, इरेजर ले लूँगा एंड उसका साइज छोटा कर लेते हैं हम एंड इसको हटा दूँगा मैं। जैसे ये वाली इमेज को मैं हटा देता हूँ, जैसे पहले ये वाली इमेज, ये वाली है लेयर वन एंड इरेजर टूल लिया एंड इसको कर दिया इरेज यहाँ से एंड कंट्रोल जीरो करके। देखिए गाइस ये इसके अंदर फिट आ गया है। अब गाइस सिंपली मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा यहाँ पर, देखिए गाइस ये वाला डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है, इसीलिए अब मैं नीचे एक रेक्टेंगल लूँगा गाइस यहाँ से, जैसे यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इतना बड़ा एंड उसका कलर रखूँगा गाइस वाइट एंड उसे इस इमेज के नीचे कर दूँगा गाइस। देखिए ये मैच के नीचे कर दिया है गाइस एंड कंट्रोल टी करूँगा एंड राइट क्लिक करके इसको कर लूँगा स्कीव एंड गाइस हल्का सा इसे इधर को खींच लेंगे हम एंड इंटर कर दूँगा। देखिए गाइस इसे नीचे कर लिया हल्का सा, ये ज़्यादा नीचे हो गया गाइस, ये परफेक्ट आ गया गाइस। अभी गाइस मैं आपको बताऊँगा कि मैंने रेक्टेंगल क्यों बनाया है जब हम इस पर टैक्स ऐड करेंगे। अभी तो गाइस सिंपली मैं इस पर इमेज, हम इमेज लगा रहे हैं इस पर, तो अभी एयरफोन की इमेजेस लगा लेते हैं पहले सारी गाइस। देखिए गाइस ये एक इमेज और ले रखी है मैंने, इसको भी मैं सिंपली मैजिक इरेजर टूल से इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ एंड इसे भी लेके आ जाते हैं हम अपने बैकग्राउंड पर। जैसे पहले ये दो इमेज रिमूव कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए एंड इसे लेके आ जाता हूँ मैं अपने बैकग्राउंड पर। एंड गाइस देखिए कंट्रोल टी करके इसका साइज भी कर लेता हूँ मैं छोटा, इतना बड़ा ठीक है एंड इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ठीक लग रहा है गाइस ये। एंड गाइस अब मैं सिंपली मोड में जाऊँगा एंड इसे कर दूंगा ओवरले। आप और भी मोड लगा सकते हैं अलग अलग चूज करके, जौन सा आपको अच्छा लगे वो सा लगाइए आप अपनी तरह बैनर तैयार कीजिए एंड इसकी ओपेसिटी गाइस मैं कर दूंगा कम। देखिए गाइस ये परफेक्ट लग रहा है अब। एंड गाइस अब देखिए जैसे कि इसका इमेज लगाने का भी काम ख़त्म हो गया है, सिंपली मैंने सारी इमेजेस लगा दी हैं। अब गाइस मैं इस पे टैक्स ऐड करूँगा, जैसे कि आप टैक्स ऐड करिए इसी से रिलेटेड ही ऐड करिए, जैसे कि बाय। अब गाइस दो तीन तीन चार पार्टों में टैक्स ऐड करिए ताकि वो अच्छा लगे, जैसे कि मैं कर देता हूँ शाओमी एंड इसको भी यहाँ रख लिया गाइस सिंपली एंड कंट्रोल जे किया उसे भी एंड उसे भी नीचे ले लिया एंड इसे कर दिया एयरफोन। एंड गाइस नीचे वाले को कर लिया कंट्रोल टी करके छोटा, देखिए गाइस ये छोटा कर लिया एंड इसे लगा लिया यहाँ पर एंड कंट्रोल टी करके हल्का सा साइज और छोटा करूँगा मैं। देखिए गाइस
एंड कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल प्लस करके गाइस इसको मैं कर लूँगा इसी के बराबर इक्वल। देखिए गाइस ये परफेक्ट हो गया एंड हल्का सा छोटा हो रहा है। देखिए गाइस ये इसी के इक्वल हो गया एंड कंट्रोल जीरो करके पेज फिट कर देंगे। अब गाइस जैसे ये तीनों हमने टेक्स्ट टाइप कर लिए, इन तीनों को ऊपर ले जाऊँगा मैं सबसे ऊपर पहले। ये देखिए ये ऊपर आ गया एंड बाय को मैं सिंपली यहाँ पर रख लूँगा एंड बाय को मैं कर दूंगा गाइस थोड़ा बोल्ड ताकि ये अलग सा दिखे। एंड इन तीनों को पकड़ के लेके आऊँगा मैं यहाँ पर एंड कंट्रोल टी करके इनका साइज कर दूंगा छोटा एंड इन्हें यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ गाइस एंड बाय को हल्का सा ऊपर करूँगा जैसे ये ठीक लग रहा है। एयरफोन को भी हल्का सा नीचे करके देख लेते हैं गाइस, नहीं ये ठीक लग रहा है यहीं पर ही। एंड गाइस अब सिंपली मैं एक और बार एयरफोन को कंट्रोल जे करूँगा एंड इसी से रिलेटेड ही थोड़ा टाइप कर लूँगा। जैसे मैं प्राइस टाइप कर लेता हूँ 8 को मैंने छोटा कर लिया है ताकि ये स्टाइलिश लगे थोड़ा गाइस देखने में, तो 8 को मैंने छोटा कर दिया। एंड इसको कर देता हूँ मैं वाइट कलर का सिंपली एंड इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, जैसे बुक कर देता हूँ इसे। एंड अब एक और बार कंट्रोल जे करूँगा मैं 8 को एंड यहाँ पर प्राइस टाइप कर देता हूँ सिंपली एंड इसको कर दूंगा कंट्रोल टी करके इसका साइज बड़ा थोड़ा, जैसे गाइज इतना बड़ा कर देता हूँ ये ठीक लग रहा है। एंड इसको हल्का सा पीछे करूँगा एंड यहाँ से इसे कर लेता हूँ मैं बोल्ड प्राइस को एंड कंट्रोल टी करके इसे और छोटा कर लूँगा, जैसे गाइज इतना कर लिया ये ठीक लग रहा है। देखिए गाइज ये परफेक्ट आ रहा है यहाँ। एंड गाइज अब मैं सिंपली इसके नीचे एक रेक्टेंगल बनाऊँगा इतना बड़ा गाइज सिंपली एंड उसका उसके कॉर्नर में राउंडेड कर दूंगा, जैसे गाइस पूरे राउंडेड कर देता हूँ मैं कॉर्नर एंड उसे कर दूंगा वाइट कलर में रेक्टेंगल को एंड इसी के नीचे लेके आ जाऊंगा गाइस। एंड दोबारा से यही प्राइस में कॉपी करूंगा एंड इसको लेके आ जाऊंगा नीचे एंड इसको कर लूंगा मैं 70% ऑफ। अब गाइस इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा कर लेता हूँ पहले एंड इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ गाइस मैं एंड यहाँ से कलर चेंज कर लूँगा गाइस, जैसे ब्लैक कर दूंगा इसे एंड इसे ऊपर ले आऊँगा गाइस। शिफ्ट के साथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी होगा अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे। देखिए गाइस ये इसके इसमें आ गया है एंड अच्छा भी लग रहा है गाइस, अभी ये परफेक्ट हमारे प्राइस भी तैयार हो गए हैं। एंड गाइस अब मैं जैसे प्राइस और 8 का सेम लग रहा है तो मैं प्राइस का भी कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि ये अलग सा लगे थोड़ा, जैसे ये कर देता हूँ 499। देखिए गाइस ये हमारे गाइस प्राइस के भी टैक्स ऐड हो गए हैं, इसे मैं हल्का सा ऊपर ले लूँगा गाइस एंड इधर कर लूँगा हल्का सा। देखिए गाइस ये यहाँ हमारे फ़ोन के भी प्राइस टाइप हो गए हैं। अब गाइस मैं इसे जैसे इसी से रिलेटेड भी थोड़ी रेटिंग दे देता हूँ तो उसके लिए कंट्रोल ओ करूँगा एंड गाइस यहाँ मैंने स्टार पहले से डाउनलोड करके रख रखा है तो मैं वो लेके आ जाऊँगा एंड गाइस कंट्रोल टी करके इसको भी कर दूंगा मैं छोटा एंड इसको भी ले आता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ एडजस्ट कर दिया गाइस। अभी गाइस ये दिख नहीं रहे तो हल्के से मैं एक और बार कंट्रोल जे करूँगा इसे डुप्लीकेट बनाऊँगा एंड कंट्रोल प्रेस करके इमेज पे क्लिक करूँगा एक बार माउस से एंड शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करके गाइस इसे कर दूंगा ब्लैक। आप गाइस इस पर शेडो भी लगा सकते हैं एंड कंट्रोल डी करूँगा एंड इसे हल्का सा ले लूँगा नीचे। देखिए गाइस ये स्टार शो होने लगे कि रेटिंग दे रखी है एंड यहाँ पर मैं टाइप भी कर दूंगा गाइस, जैसे कर दिया 5 of 5 star। देखिए गाइस ये कर दिया एंड इसको कर देता हूँ बड़ा एंड कंट्रोल टी करके इसका साइज कर देता हूँ छोटा, कंट्रोल टी करूँगा एंड गाइस इसे कर दूंगा इससे छोटा। देखिए गाइस ये परफेक्ट आ गया एंड इसे कर दूंगा मैं वाइट, ये लीजिए गाइस ये तैयार हो गया। अब गाइस सिंपली जैसे मैंने पहले इनको मैं रिमूव कर देता हूँ जो मैंने एयरफोन ले रखे हैं पहले ही एंड गाइस मैं कंट्रोल ओ कर लूँगा। और गाइस यहाँ मैंने एक इमेज इसी के स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी रख रखी है, जैसे आइकन बने हुए हैं तो गाइस इन आइकन को मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से एंड गाइस कंट्रोल एक्स करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा अपने बैकग्राउंड पर एंड इसे कर लूँगा कंट्रोल टी एंड इसका साइज कर लूँगा थोड़ा बड़ा एंड गाइस इसे कर दूँगा यहाँ मल्टीप्लाई ताकि इसी बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए एंड यहाँ रख लूँगा गाइज मैं अभी सिंपली। एंड गाइज मैं यहाँ से एक लाइन उतार के लेके आऊँगा ताकि दोनों दोनों आइकन बराबर रहें, ये वाले मैं बाहर कर देता हूँ
एंड गाइस इसे हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ और ये वाले मैच को गाइस मैं ऊपर ले जाता हूँ। एंड गाइस दूसरी वाले को भी मैं यहीं ले आता हूँ जिसे यहाँ ले आया मैं, ये कट कर लिया कंट्रोल एक्स से एंड यहाँ पर कर दिया पेस्ट एंड कंट्रोल टी करके गाइस मैं कर लूँगा इसे इसी के इक्वल। देखिए गाइस ये इसी के इक्वल कर लिया मैंने एंड गाइस इसे भी कर दूंगा मल्टीप्लाई। एंड गाइस मैं सिंपली फिर से एक टेक्स्ट लूँगा एंड जैसे आगे वाले का नाम जैसे था डायनामिक बेस, ये डायनामिक बेस का गाइस आइकन है तो मैं इसको भी छोटा कर लेता हूँ एंड इसे कर लूँगा यहाँ से मीडियम एंड कंट्रोल टी करके इसका साइज पहले कर दूँगा थोड़ा छोटा, फिर से कंट्रोल टी करूँगा गाइस ज़्यादा बड़ा ये ठीक है गाइस एंड इसे कर दूँगा यहाँ पर ब्लैक। ये देखिए गाइस परफेक्ट लग रहा है। एंड गाइस अब मैं इस वाले आइकन को भी थोड़ा इधर ले आऊँगा ज़्यादा उधर है ये ठीक लग रहा है यहाँ पर। एंड इसी को फिर से डायनेमिक बेस को मैं कंट्रोल जे करूँगा एक बार एंड इस पर कर दूँगा 9 आवर बैटरी, जैसे इसकी बैटरी 9 आवर चलती है गाइस तो मैं कर दूँगा 9 आवर बैटरी। एंड इसे भी इसी के सिंपली ले लिया इधर। अब देखिए गाइस ये हमारे बैकग्राउंड में नहीं आ रहा, पेज पर पूरा नहीं आ रहा तो मैं शिफ्ट के साथ इन सबों को पकड़ूंगा एंड कंट्रोल टी करके इनका साइज कर दूंगा थोड़ा छोटा। देखिए गाइस ये परफेक्ट आ गया एंड कंट्रोल एच करके पहले लाइनिंग हटाऊंगा एंड इसे कर लेता हूँ मैं नीचे। देखिए गाइस ये पूरा आ गया परफेक्ट। अब गाइस सिंपली मैं पहले इन सबों को ही ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, तो जैसे गाइस मैं सिंपली यहाँ तक की ले लेता हूँ एंड ये भी ले लेता हूँ एंड ये नहीं लूँगा गाइस, इन सबों को मैं ऊपर कर लेता हूँ गाइस थोड़ा थोड़ा। देखिए गाइस ये इतना ऊपर कर लिया एंड परफेक्ट लग रहा है अभी ये। एंड इसको नीचे वालों को चारों को थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ एंड देखिए गाइस ये भी हमारा परफेक्ट आ गया है। अब गाइस सिंपली जो मैंने पहले कहा था कि मैंने ये रेक्टेंगल जो क्रिएट किया है इस पर मैं टाइप कर लेता हूँ जैसे हमारी कैश ऑन डिलीवरी है इसकी डिलीवरी एंड अवेलेबल नाउ। एंड गाइस इसे मैं छोटा कर लेता हूँ जैसे हमारी फ्री कैश ऑन डिलीवरी है तो मैंने इसे छोटा कर लिया एंड तो गाइस मैं इसे यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस मैं सिंपली इसमें जाऊँगा एंड इसे मैं कर दूँगा लाइट एंड बुक, ये गाइस बुक में कर लेता हूँ थोड़ा ये ठीक लग रहा है। एंड गाइस इसे मैं कर दूँगा बोल्ड थोड़ा ताकि अलग सा दिखे। एंड गाइस मैं सिंपली इसे और थोड़ा छोटा करूँगा एंड गाइस मैं इसे खोल लूँगा जैसे कि यहाँ से मैं इसकी इसकी विड खोल लेता हूँ थोड़ी गाइस। देखिए गाइस ये खोल ली एंड इसकी इसको मैं थोड़ा और गाइस लाइट ही रखूँगा ताकि ये बिल्कुल मामूली सा दिखे। एंड इस वाले को कर देता हूँ बोल्ड इटैलिक एंड इसको कर लेता हूँ यहाँ पर बुक इटैलिक कर लिया गाइस ताकि ये इसके अंदर ही दिखे थोड़ा डार्क दिखे कैश ऑन डिलीवरी। एंड गाइस फिर से थोड़ा सा और छोटा करूँगा मैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे जैसे ये गाइस अब अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड इसे कर लूँगा मैं थोड़ा और बड़ा ये ठीक लग रहा है गाइस, ये देखिए ये परफेक्ट लग रहा है। कंट्रोल प्रेस करके चेक प्लस करके चेक कर सकते हैं आप गाइस, देखिए ये परफेक्ट आ रहा है। एंड कंट्रोल जीरो करके पेज फिट कर दूँगा। अब गाइस मैं सिंपली यहाँ पर एक आइकन बनाऊँगा वैसी जैसे हम हर किसी में बनाते हैं आइकन एंड फिल में ब्लैंक कर दूंगा एंड वाइट कलर का स्टॉक रख लूँगा एंड टू साइज में पिक्सल। एंड फिर से मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सेटिंग ले लूँगा एंड गाइस इसे कर दूंगा मैं आइकन टाइप एंड इसको कर लेता हूँ मैं छोटा। एंड गाइस अभी ये बहुत बड़ा इसकी लाइनिंग बहुत बड़ी लग रही है तो मैं एक ले लूँगा गाइस यहाँ से, ये गाइस परफेक्ट आ रहा है। एंड गाइस इसी में मैं ये एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ उठा लेता हूँ इसे एंड इस पर कर दूंगा ऑर्डर नाउ, या आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं बुक नाउ टाइप कर सकते हैं, मैं तो टाइप कर देता हूँ ऑर्डर नाउ। जैसे गाइस ये टाइप कर दिया ऑर्डर नाउ एंड इसे कर लेता हूँ इसी के अंदर एंड कंट्रोल टी करके हल्का सा बड़ा करूँगा इसे गाइस, ये देखिए गाइस परफेक्ट आ गया इसके अंदर। एंड इसे एक बार बोल्ड करके देखूँगा, बोल्ड करके अच्छा लग रहा है गाइस ये। देखिए गाइस ये हमारा आइकन भी तैयार हो गया है परफेक्ट।
अब गाइस सिंपली जैसे मैं इसके यहाँ एक वेबसाइट टाइप कर दूंगा, जैसे कि शाओमी की वेबसाइट टाइप कर देता हूँ। ये गाइस मैंने सिंपली इसकी एक साइट टाइप कर दी है एंड इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड गाइस ये बहुत मोटी लग रही है तो मैं इसे कर लूँगा सिंपली, ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए हमें। एंड वाइट कलर में चाहिए गाइस, वाइट कलर ब्लू कलर पे खिलता है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वाइट कर लिया इसे। एंड गाइस अब देखिए गाइस ये हमारा बैनर लगभग तैयार होने लगा है। तो गाइस अब मैं सिंपली ऊपर एक टेक्स्ट लूँगा एंड इस पर टाइप कर देता हूँ शाओमी शाओमी ब्लूटूथ। देखिए गाइस ये मैंने टाइप कर दिया है एंड इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड कंट्रोल जे करूँगा, इसी के नीचे एक को लेके आ जाऊँगा मैं एंड इस पर कर दूँगा एयरफोन। देखिए गाइस ये एयरफोन भी मैंने इस पर टाइप कर दिया एंड इन दोनों को गाइस मैं पहले सबसे ऊपर लेके जाता हूँ एंड कंट्रोल टी करूँगा इसका, इसको कर लूँगा छोटा एंड इसे यहाँ लेके आता हूँ गाइस पहले मैं। देखिए ये ले आया एंड एयरफोन को गाइस थोड़ा और छोटा करूँगा ताकि ये दिखने में थोड़ा कूल सा लगे एंड इसको कर दूंगा मैं बोल्ड यहाँ से। एंड शाओमी ब्लूटूथ एयरफोन का कलर भी चेंज कर लेते हैं गाइज हम यहाँ से सिंपली, जैसे मैं ब्लैक रख लेता हूँ एंड शाओमी को भी मैं थोड़ा सा कर दूंगा बोल्ड ताकि ये अलग सा दिखे। बुक से कर देता हूँ मीडियम। देखिए गाइज अब गाइज सिंपली मैं यहाँ पर कंट्रोल ओ करूँगा और देखिए गाइज ये हमने जो एयरफोन पहले ले रखे हैं मैं सिंपली इसे लगा दूंगा ताकि एक न्यू लुक सा दे। तो गाइज देखिए मैं यहाँ से पहले काट लेता हूँ इसे, देखिए गाइज कंट्रोल एक्स करके यहाँ से ये कट कर लेता हूँ एंड इसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ एंड कंट्रोल टी करके इसका साइज कर दूंगा छोटा गाइज एंड इसे यहाँ एडजस्ट कर लूँगा कंट्रोल टी करके। इस एयरफोन के नीचे ले आऊँगा गाइज मैं एंड ये सब लगेगा गाइस कि इसी में से एयरफोन निकल लिया एंड न्यू लुक सा देगा ये। कंट्रोल प्लस करूँगा गाइस मैं सिंपली एंड इसको बाकी को कर दूंगा इरेज सिंपली इरेजर टूल से। देखिए गाइस ये इतना मैं इरेज कर देता हूँ कंट्रोल प्लस करके। गाइस आप बारीकियाँ हटा सकते हैं, जैसे ये बारीकियाँ हटा ली एंड कंट्रोल जीरो करूँगा मैं पेज फिट। देखिए गाइस ये एयरफोन मैंने एक तरफ लगा दिया एंड दूसरी भी एक तरफ लगा दूंगा गाइस। ये पहले हटा देते हैं हम, रिमूव कर देते हैं एंड देखिए गाइस ये वाली भी लेके आ जाता हूँ मैं इधर ही एंड इसको एयरफोन को भी छोटा करता हूँ पहले एंड इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए गाइस ये यहाँ परफेक्ट लग रहा है, हल्का सा और रोटेट करूँगा इसे मैं गाइस सिंपली एंड कंट्रोल प्लस करूँगा गाइस एंड यहाँ से ये इरेज हटा देता हूँ सब, जैसे मुझे यहाँ से ये इतनी नहीं चाहिए तो मैं इसे कर देता हूँ इरेज थोड़ा साइज बढ़ा के। देखिए गाइस ये ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर ही सारा है एंड इसे इसको ऊपर कर लेते हैं, जैसे ये गाइस परफेक्ट है एंड कंट्रोल जीरो करूँगा मैं गाइस। देखिए गाइस ये हमारा शाओमी की ब्लूटूथ का एयरफोन थोड़ा आइकन टाइप भी तैयार हो गया है, लोगो टाइप। एंड गाइस मैं सिंपली अब यहाँ पर एक इसका MI का लोगो ले लूँगा, जैसे कि मैंने पहले डाउनलोड करके रख रखा है एंड सिंपली इसे कट कर लेता हूँ मैजिक रेजर टूल से, काट लेता हूँ इसे इसका बैकग्राउंड एंड इसे लेके आ जाता हूँ अपने बैकग्राउंड पे। एंड गाइस इसे यहाँ एडजस्ट कर लूँगा मैं, आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं इसे जैसे MI के आइकन को। देखिए गाइस ये मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया एंड परफेक्ट भी लग रहा है। अब गाइस सिंपली कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पर सबसे ऊपर जाना है एंड कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई दबाना, आप एक इमेज तैयार हो जाएगी एंड उस पर स्टॉक लगा देंगे हम ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। एफएक्स में जाएंगे एंड स्टॉक ले लेंगे एंड इनसाइड स्टॉक ले लेंगे यहाँ से एंड स्टॉक को कर देंगे छोटा गाइस, जो ज़्यादा हैवी ना लगे एंड इसको कर लेंगे इसी से डार्क ब्लू ज़्यादा। देखिए गाइस ये इस पर स्टॉक अच्छी लग रही है एंड ओके करेंगे। देखिए गाइस ये हमारा परफेक्ट एक एयरफोन बैनर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू, मैं आगे आपके लिए और न्यू न्यू वीडियो लाता रहूँगा।